बेटा देखो कैमरा एक्शन लाइट शुरू हो चुका है, सामने लिखा क्या है, दांत। अब आज आपको दांत पढ़ने हैं, दांत दिखाने हैं, समझने हैं, मजे लेने हैं दांत के। तो अगर आप टीथ देखते हैं तो टीथ की सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि टीथ जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं, टीथ अरेंज्ड ऑन जबोन। सबसे पहले आपको ये बात सीखनी है कि जो जबड़े दांत होते हैं वो जबड़े की हड्डियों पे अरेंज होते हैं। ये देखिए जो हमारे जबड़े की हड्डियां हैं उनमें दांत अरेंज होते हैं। ये जो जबोन होती है ह्यूमन में वो सी शेप्ड होती है, मतलब हमारी जो जबड़े की हड्डियां हैं उनका शेप जो होता है सी शेप्ड होता है। पहले ये यू शेप था जब हम लोग चिंपैंजी थे, बंदर थे, अब हम मनुष्य हैं इसलिए ये सी शेप्ड है और सी शेप्ड बोन पे हमारे दांत अरेंज होते हैं। अगर आप देखें तो ये जो जबड़े की हड्डियां हैं उसमें नाम आप देख लें, जो अपर जाबोन है मतलब ऊपर के जबड़े की जो हड्डी है, इस अपर जाबोन का नाम बेटा मैग्जिली है। ये देखिए अपर जाबोन जो है उसका नाम मैग्जिली है। इस मैग्जिली की संख्या दो है और ये मैग्जिली बेटा फिक्स है। ये देखिए मतलब ये मूव नहीं कर सकती है, आप ऊपर के जबड़े को घुमा नहीं सकते हैं और उस हड्डी का नाम क्या है, मैग्जिली है। ये अपर जाबोन है। अगर आप लोअर जाबोन की बात करें, मतलब जो लोअर जाबोन है उसकी बात करें, जो नीचे की हड्डी है, इस लोअर जाबोन का जनरल नाम सारे एनिमल्स में मैंडिबल होता है, मैंडिबल होता है ये देखिए, लेकिन ह्यूमन के केस में इसे डेंटरी कहते हैं, ह्यूमन के केस में इसे डेंटरी कहते हैं। और नीचे का जबड़ा आप घुमा के देखिए, आपके जो नीचे का जबड़ा है वो मूव कर सकता है, ऊपर का जबड़ा फिक्स है, नीचे का जबड़ा मूवेबल है, नेचर ने इस तरह से बना रखा है। तो ये जबड़े की कंडीशंस हो गई जिसमें दांत अरेंज है, इनके इस अरेंजमेंट को, जो टीथ का अरेंजमेंट है दांत पे, इसी अरेंजमेंट को हम लोग डेंटिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेंटिशन कहते हैं। तो ये दो जबड़े की हड्डियां हो गई जिन पे दांत अरेंज होते हैं, शेप मैंने लिख दिया है। अगर आप टीथ के बारे में बात करें तो ये जो टीथ होता है इसकी ओरिजिन जो होती है इक्टोमीजोडर्मल होती है, जो टीथ होता है इसकी ओरिजिन इक्टोमीजोडर्मल होती है, मतलब कुछ ओरिजिन टीथ की, दांत की ओरिजिन इक्टोडर्म से है, कुछ दांत की ओरिजिन मीजोडर्म से है। अगर आप दांत देखते हैं, मान लीजिए आप अपना दांत देख लीजिए, तो ऐसे आप दांत बनाते हैं इस तरह से, और ये दांत आप आगे चल के जाबोन में अरेंज कर देते हैं। ये देखिए ये जाबोन है ये वाली, और इसी जाबोन के अंदर दांत अरेंज हो जाता है। तो ये देखिए इसके अंदर ये दांत ऐसे अरेंज हो जाता है। अब इसमें वो जो बोन में, इस जाबोन में कैविटी है, उस कैविटी को हम लोग एल्व्यूलस कहते हैं, मतलब एल्व्यूलस वो कैविटी है जबड़े की हड्डी में जहाँ पर दांत जाके घुस जाते हैं। जब दांत किसी, जो टीथ होते हैं वो सॉकेट में अरेंज होते हैं, तो टीथ के इस सॉकेट के अरेंजमेंट को हम लोग थीकोडॉन्ट कहते हैं। थीकोडॉन्ट माने जब टीथ बोनी सॉकेट पे अरेंज हो, तो मतलब ऐसे सोचिए कि ऐसे ये बोन है, इस बोन में छोटी छोटी कैविटी है, उस कैविटी को एल्व्यूलस कहते हैं, उसी के अंदर दांत रखे हुए हैं। तो ये एल्व्यूलस है, जहां तक ये इसके अंदर घुसा है इस एरिया को हम लोग रूट कहते हैं। ये देखिए जहां तक घुसा हुआ ये रूट है, फिर इसके ऊपर ये देखिए कुछ एरिया है जहां पर मसूड़े लगे रहते हैं, मसल्स गम्स लगे रहते हैं। ये देखिए ये एरिया है जहां गम्स लगते हैं, इस एरिया को रूट के बाद हम लोग नेक कहते हैं, जहां पर मसूड़े होते हैं, मतलब मसूड़े वाला एरिया है जिसे हम लोग गम्स कहते हैं, मसूड़े को, वहां पर जो टीथ होता है उसे हम लोग नेक कहते हैं। और टीथ का वो पोर्शन जो फ्री है, साफ आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को हम लोग क्राउन कहते हैं। ये देखिए मतलब टीथ के तीन पोर्शन हो गए, एक पोर्शन जो जाबोन के अंदर है उसे रूट कहते हैं, जो मसूड़ों के बीच में उसे नेक कहते हैं, और जो मसूड़ों के ऊपर वाला एरिया है जो जिसपे आप ब्रश चलाते हैं उसे क्राउन कहते हैं। इस नेक और रूट की ओरिजिन जो होती है, इसमें जो भी ओरिजिन है वो मीजोडर्म से है, मीजोडर्म से है, और ये जो क्राउन है ये भी जिस चीज से बना है उसकी ओरिजिन एक्टोडर्म से है, मतलब जो हमारा टीथ है इसकी ओरिजिन दो जगह से है, एक्टोडर्म से और मेजोडर्म से। तो आपको समझना है कि टीथ का अरेंजमेंट जो बोन्स में पड़ा हुआ है, और इस टीथ के अरेंजमेंट को हम लोग डेंटिशन कहते हैं, अपर जाबोन को मैग्जिली, लोअर जाबोन को मैंडिबल, अपर जाबोन जो है फिक्स है, लोअर जाबोन बोन मूवेबल है, इस तरह के
स्कल को हम लोग क्रेनियोस्टाइलिक स्कल कहते हैं, क्रेनियोस्टाइलिक स्कल कहते हैं, मतलब ह्यूमन में जो स्कल पाई जाती है उस स्कल को हम लोग क्रेनियोस्टाइलिक स्कल कहते हैं। कौन सा स्कल कहते हैं? क्रेनियोस्टाइलिक स्कल कहते हैं। बेटा देखो हेडिंग पढ़ी है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इस टीथ के स्ट्रक्चर में जब हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए आप दांत के स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं तो मान लीजिए ये दांत का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको फटाफट सब सारी चीजें सीख लेनी है। इस दांत के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, ये जो सबसे ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं जो क्राउन वाला एरिया है, इस क्राउन वाले एरिया में सबसे ये पहली बार तो अभी समझ लीजिए कि जो टीथ के ऊपर कैविटी होती है उसे कस्प कहते हैं। तो कस्प क्या है, अब लिखना शुरू करें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कस्प जो है वो कैविटी है, मतलब सरफेस पे कैविटी है टीथ के ऊपर, कैविटी ऑन टीथ। कभी आप दांत के ऊपर देखें तो आपको इसे कैविटी दिखाई पड़ेगी, हल्के हल्के से रफनेस दिखाई पड़ेगी जो पीसने में मदद करती है, ग्राइंडिंग का काम करती है। ये प्री मोलर मोलर पे होती है, सीजर कैनाल में डेवलप नहीं होती है। जिन दांतों के पीसने का काम है उनमें कस्प पाया जाता है, मतलब जैसे अगर टीथ है तो इस टीथ के ऊपर ये जो ऐसे मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कस्प कहते हैं। ये जो क्राउन वाला एरिया है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इनेमल का, ये देखिए ये बना होता है इनेमल का। तो इनेमल के बारे में ही एनसीईआरटी ने लिखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनेमल कौन बनाता है तो आप सबसे पहले ये लिखिए कि सर एक सेल होती है जिस सेल का नाम अमीलोब्लास्ट सेल होता है, ये सेल्स अमीलोब्लास्ट फॉर्म इनेमल्स, ये इनेमल बनाती है, इनेमल बनाती है। ये इनेमल जो है एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये देखिए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल किंगडम, और ये काफी मजबूत भी होता है। आप सोचिए इतना दांत इतना दिन काम करता है लेकिन कभी भी दांत का अपर सरफेस घिसता नहीं है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कौन सा प्रोडक्ट? इनेमल, जो दांत के क्राउन को बनाता है। किसको बनाता है? दांत के क्राउन को बनाता है। इसके बाद का जो दूसरा पोर्शन है टीथ का, जो तीसरा पोर्शन है टीथ का, अगर आप इस पोर्शन को देखें, इस इनेमल के बाद के पोर्शन को देखें, तो ये देखिए एक खास तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ये दूसरा प्रोडक्ट होता है टीथ का, ये दूसरा प्रोडक्ट है। तो अगर आप डेंटाइन के बारे में देखते हैं तो आप यहाँ देख ले डेंटाइन के बारे में क्या क्या खास बात है। आप यहाँ से लिखेंगे सर ये डेंटाइन है, ऐसे लिख लीजिए डेंटाइन। अगर आपसे कोई पूछे लिखिए तो इसे फॉर्म, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, काम की बात करते हैं, फॉर्म्ड बाय एक सेल है जिस सेल का नाम ऑडोन्टोब्लास्ट सेल है। ये जो सेल है ऑडोन्टोब्लास्ट सेल, यही डेंटाइन का फॉर्मेशन करती है, और ये डेंटाइन मेन सब्सटेंस है टीथ का, मेन सब्सटेंस ऑफ टीथ, दांत का मेन सब्सटेंस होता है। ये देखिए डेंटाइन जितना बढ़ेगा टीथ उतना बढ़ेगा। तो डेंटाइन का फॉर्मेशन कौन करता है? लिखा हुआ है सेल का नाम क्या है? ऑडोन्टोब्लास्ट सेल है। जब तक ये सेल एक्टिव रहेगी डेंटाइन बढ़ता जाएगा, और डेंटाइन जितना बढ़ेगा टीथ की साइज उतनी बढ़ जाएगी। रैट के केस में डेंटाइन हमेशा बढ़ता रहता है, इसका मतलब ऑडोन्टोब्लास्ट सेल काम करती रहती है, और ये ऑडोन्टोब्लास्ट सेल जब तक काम करेगी डेंटाइन बढ़ेगा तो टीथ बढ़ेगा, इसलिए रैट के टीथ हमेशा बढ़ते रहते हैं, रेड की टीथ हमेशा बढ़ते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर आप सामने वाले पोर्शन के टीथ को ब्रेक कर दें तो जो उसका टीथ होता है राइट का वो ब्रेक कर जाएगा और भी मतलब सामने वाले जबड़े में घुस जाएगा और दिक्कत खड़ी कर देगा। फिर आप देखें इसके बगल में ये एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सीमेंटम कहते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर होता है जिसे सीमेंटम कहते हैं। सीमेंटम जो होता है इसका फॉर्मेशन सीमेंटोसाइट सेल करती है, ये सेल है जो इसका फॉर्मेशन करते हैं। ये जो अंदर कैविटी है, ये पूरा अंदर जो कैविटी है, ये देखिए इसके बगल में एक मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, कैविटी होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन होता है। ये देखिए आप इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, ये पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। इस टीथ के अंदर ये कैविटी है जिसमें नर्व की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है,
ये देखिए इसी में नर्व की सप्लाई है, मतलब इसी कैविटी के अंदर नर्व की सप्लाई है, इसी कैविटी के अंदर ब्लड की सप्लाई है, और ये देखिए इस तरह से टीथ का फॉर्मेशन होता है। ऐसे कुछ दिखता है टीथ का कॉन्सेप्ट, मतलब बीच में कैविटी है, सीमेंटम है किनारे किनारे, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन है, नर्व सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, और ये आगे चल के ये इसका रूट होता है, जहाँ पर ये रूट होता है जो टीथ से अरेंज होता है, इस टू रूट को हम लोग एपिकल फोरामेन कहते हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई और नर्व की सप्लाई बनी रहती है। तो एपिकल फोरामेन वो जगह है जहां से इस टीथ के अंदर कौन आता है, ब्लड आता है, नर्व आता है। ये अंदर कैविटी है जिसमें ब्लड और नर्व की सप्लाई है, जिसके बगल बगल में ऑडोन्टोब्लास्ट सेल्स लगी हुई हैं जो डेंटाइन का फॉर्मेशन कर रही हैं। इसके बगल में जो सेल्स लगी हैं, ये सारी सेल्स ऑडोन्टोब्लास्ट सेल्स है। पूछा जाता है आपको बता देना सर, इसके बगल में ऑडोन्टोब्लास्ट सेल्स क्लियर होती हैं और ऑडोन्टोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ये मैंने पहले ही लिख दिया है कि ऑडोन्टोब्लास्ट सेल्स डेंटाइन का फॉर्मेशन करती है। तो ये टीथ का स्ट्रक्चर है, और टीथ में मेन पढ़ना है आपको कौन सा प्रोडक्ट, एनिमल पढ़ना है, जो एनसीईआरटी दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये पूरे एनिमल के जीनोम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इतनी जानकारी इकट्ठा करनी है टीथ के बारे में। आइए टीथ का फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए अगर दांत देखे जाए तो चार तरह के दांत हैं। पहला जो दांत होता है मनुष्य में, उसे इंसीजर कहते हैं। इस इंसीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो टीथ होता है उसे हम लोग केनाइन कहते हैं। इस टीथ केनाइन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो टीथ होता है उसे हम लोग फ्री मोलर कहते हैं, इसे हम लोग पीएम कहते हैं शॉर्ट में। जो चौथा टीथ होता है बेटा उसे मोलर कहते हैं, ये देखिए जबड़े का ये टीथ है, इसे ईएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल टीथ हो गए चार टाइप के ह्यूमन बींग्स में, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर हम हिंदी समझते हैं तो कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अब इन टीथों को गिनते कैसे, कभी भी दांत को पढ़ते समय, जैसे आपने पढ़ा मनुष्य को 32 दांत हैं, तो मनुष्य के 32 दांतों को ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि ऊपर से यहाँ से गिनना शुरू है, एक से लेकर 16 तक, फिर यहाँ से एक से 16 32 हो गया, ऐसा नहीं गिना जाता है। आपको जबड़े के बीचों बीच उंगली रखनी है, जब जबड़े के बीचों बीच आप ऐसे उंगली रखेंगे तो इस जबड़े के चार पार्ट हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। अब आप क्या करें, इस जबड़े के 1/4 में इस बीच से किनारे की तरफ चले, फिर समझ लें, जबड़े के अपर हाफ या लोअर हाफ के बीच से किनारे की तरफ चलेंगे। तो जब आप 1/4 गिनेंगे कितने दांत मिलेंगे, 8। और जब गिनेंगे तो पहले यहां से गिनेंगे जो इंसीजर आएगा, फिर किनाइन आएगा, फिर प्री मोलर आएगा, फिर मोलर आएगा। जो इन 8 दांतों का अरेंजमेंट है वही इन 8 दांतों का है, वही इन 8 दांतों का, वही इन 8 दांतों का। तो ये 1/4 का जब 8 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 32 टीथ आएंगे। तो अब आपको समझना ये है भैया कि अगर आपको इन टीथों को समझना है, एनसीईआरटी ने फिगर बना रखा है, भैया हमारा ये जबड़े की हड्डी है। अब इस जबड़े की हड्डी मान लीजिए अपर हाफ है या लोअर हाफ है, जो भी आपको पसंद है, इस जबड़े की हड्डी के 20 से दांत गिने जाते हैं। ये भी 8 है, ये भी 8 है, अगर आप लोअर जा मानते हैं इसे। तो इसमें जो सबसे पहला टीथ मिलता है वो मिलता है, जो टीथ होता है वो इंसीजर होता है, ये चीजल सेप होता है। सबसे पहले यही टीथ मिलता है आपको जबड़े में, और इसका काम है नेविंग ऑफ फूड। ये भोजन की नेविंग में मदद करता है, नेविंग ऑफ फूड। ह्यूमन में इसका काम बहुत ज्यादा रह नहीं गया है, चीजल सेप्ड है। अगर आप देखेंगे तो ये टीथ है यहाँ पे हमारे जबड़े के फ्रंट पे है, ये ऐसे शुद्ध, ये एकदम ऐसे बना रहता है, ऐसे चौकोर टाइप का टीथ है ऐसे। सबसे पहले दो टीथ होते हैं जिसे इंसीजर कहते हैं। अब मैंने जबड़ा बना रखा है तो मैंने इसे बीच में खींच दिया, इसको लोग इंसीजर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर केनाइन को देखें तो जो केनाइन होता है वो शार्प पॉइंटेड होता है, शार्प होता है और पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, पॉइंटेड होता है। दूसरी बात कह सकते हैं कि इसका काम है टीयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ फूड, टीयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ फूड। ये खास करके टीयरिंग एंड शेयरिंग का काम करता है, और मेनली डेवलप होता है कार्निवोरस एनिमल्स में। जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, जो मांस खाते हैं, उनमें ये ज्यादा डेवलप है, शार्प पॉइंटेड है। अगर आप देखें तो ये वाला टीथ है, ये ठीक ऐसे दिखता है, जब आप ये ऐसे शार्प पॉइंटेड दिखता है इस तरह से, इसका नाम केनाइन है। फिर आप देखें ये जो प्रीमोलर है, इसका अगर आप शेप देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, ये ट्रायंगुलर शेप्ड होता है,
और ये जो टीथ है ये मोलर जो है ये रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है। देखें सबके अपने अपने मतलब है, सबके अपने अपने फंक्शन है। ये रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है, मतलब अगर आप देखें तो एक का शेप ट्रायंगुलर है और एक का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। अगर जबड़े की 1/5 देखते हैं तो ये देखिए, ये पहला है जिसे हम लोग प्रीमोलर कहते हैं, और फिर इसके बाद ये 3 दांत होते हैं जिन्हें हम लोग मोलर कहते हैं। दांत के लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो 8 दांत है ये जबड़े के 1/5 पार्ट में है, 8 दांत। तो 8 अगर इंसीजर के 9 प्रीमोलर मोलर है, 8 इधर है, 8 इधर है, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2 जबड़े हाफ हाफ। तो ये देखिए ये जो मोलर है ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है, और इन दोनों टीथों का जो फंक्शन है ये फंक्शन है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये देखिए ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। मतलब अगर आपसे मैं कहूँ तो ये एक तरह से मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। ये जो मोलर है इस मोलर को हम लोग चीक टीथ कहते हैं। कौन सा टीथ कहते हैं, चीक टीथ कहते हैं। ये देखिए जो मोलर होता है इसे चीक टीथ कहते हैं, और ये गले में गाल के अंदर होता है इसलिए इसको चीक टीथ कहते हैं, आंसते दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये 4 तरह के दांत है मनुष्य में, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, अरेंजमेंट मैंने बता दिया आपको। और अगर हम इसका डेंटल फार्मूला निकालें, देखें अगर हम इसका डेंटल फार्मूला निकालें, डेंटल फार्मूला मतलब हम लोग इसे हिंदी में दंत सूत्र कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर आपको डेंटल फार्मूला निकालना है तो भैया आप करिए ईच हाफ ऑफ द, ईच हाफ ऑफ द, देखिए पूरी बात आप ध्यान सुनिएगा, अपर एंड लोअर जा, ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा। ये देखिए जो जबड़े की हड्डियां हैं, जो जबड़ा है उसके हाफ को देखना है, मतलब 1/4 को देखना है, 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर, टोटल दांत कितने हुए, 32 हुए। तो ये डेंटल फार्मूला है। तो डेंटल फार्मूला जिस पर आप छोटे बच्चे का देखिए, चाइल्ड का डेंटल फार्मूला देखिए, तो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है 2102/2102। तो अगर हम आपसे पूछें इसमें पहला कौन सा टीथ है, इंसीजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, इसका मतलब छोटे बच्चे में इंसीजर है, केनाइन है, लेकिन प्रीमोलर नहीं है, और मोलर है तो फर्स्ट सेकेंड है, लास्ट वाला मोलर नहीं है। मतलब ये मोलर छोटे बच्चे में नहीं है जो सबसे अंदर होता है। तो अगर आप देखें तो जबड़े को 1/4 में कितना है, 5 दांत है, इंटू 2 करेंगे तो छोटे बच्चे में ये 20 दांत होते हैं। पूरे इंसीजर होते हैं, केनाइन होता है, प्रीमोलर एक भी नहीं होता है, मोलर में फर्स्ट और सेकेंड मोलर होता है, और ये 20 दांत जो होते हैं बच्चे में एक बार उगते हैं, दोबारा फिर से टूटने के बाद फिर से उगते हैं, मतलब ये जीवन में 2 बार उगते हैं। जब जीवन में दांत 2 बार उगते हैं तो उन्हें डाइफायोडांट कहा जाता है। अगर आप इसे अप टू 17 ईयर देखें, 17 साल के बच्चे में देखें, 17 ईयर में देखें, तो ये देखिए ये फार्मूला हो जाता है 2122 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 28 टीथ। और अगर ये आप हमें देखते हैं 17 साल के बाद वाले लोग हम देखते हैं एबव 17 ईयर, तो ये देखिए ये फार्मूला हो जाता है 2123/2123×2=32। तो आप सोचिए बच्चे में कितने दांत थे, 20, बड़ों में कितने दांत आए, 32, तो टोटल दांत बढ़े कितने, 12। कौन कौन से दांत बढ़े, ध्यान दीजिए, प्रीमोलर बढ़े और लास्ट मोलर बढ़ा। ये प्रीमोलर और लास्ट मोलर जो होते हैं ये बड़ों में बढ़ते हैं, टोटल ये 12 दांत बढ़ते हैं। ये 12 दांत जीवन में एक बार ही उगते हैं, 12 टीथ। जो जी दांत जीवन में एक बार उगते हैं उन टीथ को हम लोग मोनोफायोडांट कहते हैं, जो जीवन में 2 बार उगते हैं उन्हें डाइफायोडांट कहते हैं। इन सारे टीथ में देखिए, ध्यान से देखिए, ये इंसीजर है और लास्ट मोलर है, जिन्हें हम लोग वेस्टिजियल टीथ कहते हैं। वेस्टिजियल टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अब बॉडी में इस्तेमाल नहीं है, बॉडी में अब इनका इस्तेमाल नहीं है, सारे इसीलिए इनको वेस्टिजियल टीथ कहा जाता है। कौन सा टीथ कहा जाता है, बोलो, वेस्टिजियल टीथ कहा जाता है। ये बात सीखनी है आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन में टीथ के टाइप। देखो बेटा मनुष्य में अगर दांत देखा जाए तो पहला टीथ होता है जो मोनोफायोडांट होता है। मोनोफायोडांट उन टीथ को कहते हैं जो जीवन में एक बार उगते हैं। कितनी बार उगते हैं, एक बार। कैनक्रो
हाउ मेनी टाइम्स, सिंगल टाइम। जो जीवन में एक बार उगते हैं दांत, उन्हें हम लोग परमानेंट टीथ भी कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम लोग मोनोफाइलोडेंट कहते हैं। अगर मनुष्य की बात किया जाए तो इसमें 12 दांत है जो जीवन में एक बार उगते हैं। कौन कौन से वो टीथ हैं अगर हम आपसे कहें तो आप कहेंगे सर देखिए प्रीमोलर्स है, ये टीथ एक बार उगते हैं। तो ये प्रीमोलर्स टोटल कितने हैं, 8 हैं। और दूसरा अगर हम आपसे कहें कि ये कौन सा टीथ है तो आप कहेंगे अरे सर वो लास्ट मोलर है जो 18-20 साल की उम्र में उठता है, इसकी संख्या 4 है। भाई लास्ट मोलर यहाँ 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 निकलेगा, 4 थी तो हुआ। अब यहाँ फार्मूला देख लीजिए, यहाँ प्री मोलर एक भी नहीं था, यहाँ 2 आ गए। जबड़े एक 1/4 में 2 आए तो चारों जबड़े 1/4 में कितने, 8। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ कितना हो गया, 3। तो कौन सा टीथ था, लास्ट मोलर आया। तो लास्ट मोलर और प्री मोलर ये जीवन में एक बार उगते हैं, टोटल कितने टीथ है, 12 टीथ है ये। दूसरा जो होता है वो डाइफायोडॉन्ट होते हैं। डाइफायोडॉन्ट मतलब होता है ये जीवन कितनी बार उगेंगे, 2 बार उगेंगे। तो ऐसे आप सिंपल लिखे कैन ग्रो हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। जीवन में 2 बार उगते हैं। इन्हीं टीथ को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, डेसीडुअल टीथ कहते हैं, टेम्परेरी टूथ कहते हैं। बच्चे में जो 20 दांत हैं वो 20 दांत जीवन में एक बार उगते हैं। तो ये कौन कौन से दांत हैं ये देखिए, इनकी टोटल संख्या कितनी है। आप कहेंगे सर इनकी टोटल संख्या 20 है। अगर हम आपसे पूछें 20 में इंसीजर कितना है, बच्चे का फार्मूला देख लीजिए, 8 है। केनाइन कितना है, आप कहेंगे सर इनकी संख्या 4 है, चारों जबड़े में। और मोलर में देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, क्योंकि लास्ट मोलर तो 18 साल में उग रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर इनकी भी संख्या कितनी है, 8 है। ये 20 दांत है मनुष्य में जो जीवन में 2 बार होते हैं, इसलिए मनुष्य डाइफायोडॉन्ट है। थीकोडॉन्ट किसे कहते हैं, मनुष्य का जो टीथ है वो थीकोडॉन्ट भी है। एनसीईआरटी में देखेंगे मिल जाएगा। थीकोडॉन्ट माने टीथ अरेंज्ड इन बोनी सॉकेट। ऐसे दांत जो बोनी सॉकेट में होते हैं उन सारे टीथ को हम लोग थीकोडॉन्ट कहते हैं। एक टीथ और होता है ह्यूमन में, देखो हेट्रोडॉन्ट। ये सब ह्यूमन में डेंटेशन है, मैंने हेडिंग ही मनुष्य की डाली है, डिटेल बहुत है लेकिन हम उतना डिटेल में हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। डिफरेंट ये देखिए डिफरेंट टीथ इन जा, जब एक ही जबड़े में कई तरह के दांत होते हैं, डिफरेंट टीथ इन जा। जब एक ही जबड़े में कई तरह के दांत होते हैं तो इस तरह के डेंटेशन को हम लोग हेट्रोडॉन्ट कहते हैं। तो ह्यूमन की क्या क्या डेंटेशन है, ये डेंटेशन है। दो बार दांत उगते हैं डाइफायोडॉन्ट, दांत सॉकेट में है थीकोडॉन्ट, और दांत कई तरह के हैं इसलिए हेट्रोडॉन्ट। ये है मनुष्य के टीथ का फंक्शन, और टीथ का मेजर फंक्शन है सब आवाज निकालना, दाथा दाधा ना, ये आवाज निकलती है दांत से। और दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन, फूड को पीसना, और तीसरा भोजन को स्लिप ना होने देना। ये है टीथ के फंक्शन।